हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज पूरा दिन वर्क करेंगे दोस्तों हम लोग, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो आज हम लोग पूरा आप लोग सब तरफ दिखा दे रहे हैं कि पूरा हरा हरा दिख रहा है दोस्तों। तो हम लोग इसी धान में जा कर ना खरपतवार हैं दोस्तों, उसको हम लोग खींचेंगे और बाहर तरफ फेंकेंगे दोस्तों। ये वीडियो देखते रहिए दोस्तों। और बहुत ही कठिन काम है दोस्तों, ये कृषि काम है, एग्रीकल्चर के लाइन में आता है दोस्तों। तो इस वर्क को आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताते जाएंगे दोस्तों, और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा तरफ धान लगा हुआ है, और इसमें हम लोग ये देखिए खरपतवार है, ये भी हरा है, वो भी हरा है दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे हरा दिखने वाला ये धान ही है दोस्तों। तो ये देखिए हाथ में पकड़े हुए वो खरपतवार है दोस्तों, आप लोग नज़दीक से दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए ये पूरा धान लगा हुआ है, और ये जो फेंका वो खरपतवार है दोस्तों। उसको फेंकने से ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिर से वहीं पर रख देने से वो फिर से उग जाएगा, और इसको अगर साफ़ कर दें तो दोस्तों धान वान भी अच्छी तरह होता है दोस्तों। यार दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये पूरा हरा हरा दिख रहा है, वो पूरा धान में आता है दोस्तों। तो आप लोग को ये धान होते हुए आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाऊंगा दोस्तों, आप देखते रहना कि इस धान को कैसे कैसे करते हैं, फिर आप लोग को पूरा ब्लॉग दिखाऊँगा दोस्त। ये देखिए दोस्तों ये तो है धान दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है धान दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। हाथ पकड़े हुए वो खरपतवार है दोस्तों, देख लीजिए। पूरा दिन हम लोगों ने काम किया, करीबन तो लगभग बता दें कि 5-5:30 बजे तक हम लोगों ने काम किया, और इसमें बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। अगर दिन भर में काम करोगे तो पैर वैर भी दुखने लगते हैं, हाथ हाथ भी दुखने लगते हैं, और ये धान आप लोग को दिख रहा होगा तो पैर पैर में भी ये धान काटते हैं दोस्तों, और पैर वैर में खुजली भी होता है दोस्तों, बहुत ही खुजलाता है। और इसी प्रकार से ये देखिए ये जितना भी फेंका है दोस्तों, ये खरपतवार है, और इसी में धान भी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है दोस्तों। और ये खरपतवार को पूरा साफ़ कर दोगे तो धान और भी बेहतरीन होता है, और उपज में वृद्धि होती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पूरा आप देख चुके होंगे कि हम लोग खरपतवार को निकाल चुके हैं बहुत, फिर भी ये देखो खरपतवार को फेंक रहे हैं, और भी आगे जाओगे तो खरपतवार निकलते ही जाएंगे। पूरा 2-3 दिन हम लोग को यहीं पर काम करते हुए हो जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को नज़दीक से भी दिखा रहे हैं कि धान के हरे भरे को देखकर बहुत ही मज़ा आता है, और ये देखिए आप लोगों को खाली खाली दिख रहा है दोस्तों। वो फ़िलहाल खरपतवार को निकाल दिया जा चुका है दोस्तों, काफ़ी बहुत ही मज़ा आता है ये काम करते हुए भी, और मेहनत भी बहुत ही कठिन है इसमें, क्योंकि धूप में भी करना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए पूरा प्लांट बचा है दोस्तों, इसी को करने के लिए अभी तो वहीं तक बचा है दोस्तों, देख लीजिए बहुत दूरी बचा है, तो लगभग हम लोग को 2-3 दिन लग जाएगा काम करते हुए खरपतवार निकालते हुए। हाँ ये देखिए दोस्तों, बाहर तरफ खरपतवार को फेंक चुके हैं हम लोग। तो फिलहाल शाम होने को है दोस्तों, तो थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, और उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जैसे ही बताए थे
कि यहीं पर जंगली एरिया है और कुछ भालू लोग पानी वानी पीने भी आते हैं। तो लगभग हम लोग पानी पी चुके हैं और घर तरफ जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिए दोस्तों, आप लोग फ़िलहाल खेत तरफ दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है दोस्तों। फिर से आना है हम लोग को नेक्स्ट डे में और आप लोग को इस ब्लॉग को दिखाने वाले हो दोस्तों। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं।